जय श्री राम। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है आप, लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। बचपन से देखते आ रहे हैं, राम जी का सीरियल आ रहा था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है। मतलब हम मार करते थे देखने भाई, रामायण लगने वाला, हमें देखना है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ मुसलमान है, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं सच में बहुत लकी हूँ। हाँ, सोशल मीडिया का हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है। जय श्री राम। तीन दिन से लगातार 225 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आज अयोध्या के लिए निकले, तो किस तरह से रहा आपका सफर और आगे जाके किस तरह से रहे? सर जी, 3 दिन नहीं, आज हमें 6 दिन हो गया है। 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे, हमारे दिल में यही इच्छा है। तो क्या ये क्या प्रेरणा का क्या है एक्चुअली, किस तरह से आपको ये श्री राम अयोध्या मंदिर के लिए जाना पड़ा है? आप मुस्लिम होने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर, लाला के मंदिर के दर्शन के लिए आप जा रहे हो, क्या है? देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आए इन दिनों, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा। तो मैंने सोचा यार, लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है? हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी के रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है आप, लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ। क्या ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो मुस्लिम समुदाय है वो भी आपको विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या, मुस्लिम होने के बाद भी आपको आपके समझ से ही विरोध हो रहा है और हिंदू के धर्म में आप क्यों जा रहे हैं, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सकते। हाँ, सोशल मीडिया का हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है, तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए बस। आपने कभी बचपन में राम मंदिर या राम कथाएं और महाभारत की सीरियल कभी आपने देखी, कैसा था उसमें राम का ये सब चीजें? यस, मैंने देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है, मतलब हम मार करते थे देखने भाई, रामायण लगने वाला, हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफ़ी ज़्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे राम, हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा, अरे ये एक छोटी छोटी चीज़ें देखते थे, तो वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी। और वो एक कंट्रोवर्शियल जगह है, तो हम दो, उसका दो पहलू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ मस्जिद भी बन रही है, और मस्जिद में लड़कियों को अलाउ तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर जा कर के हम वो भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, तो हमारे भारत देश में बन रही है, वो भी अयोध्या में बन रही है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप पहली बार एक मुस्लिम महिला राम लाला के दर्शन के लिए, उनको दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है, तो क्या रहेंगे आपको? ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला है, और जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबका,
उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिल रहा है कि हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं सच में बहुत लकी हूँ।